गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर सुष्मिता रॉय. वेलकम टू योर ऑनलाइन बुक रीडिंग सेशन. टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर मेजरमेंट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी ऑल मेक मेजरमेंट इन आवर डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी चीज़ को मेजर करते हैं. हाउ मच डिस्टेंस डू यू हैव टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल. आपको अपने घर से स्कूल तक कितने डिस्टेंस में वॉक करना होता है आपने मेजर किया होगा. How long does it take from your house to reach your school by bus? बस से आपको अपने घर से स्कूल पहुँचने में कितना टाइम लगता है आपने ये भी मेजर किया होगा. What is your height? आपकी हाइट क्या है ये भी मेजर किया होगा. How much do you weigh? आपका वेट कितना है आपने ये भी मेजर किया होगा. What is your body temperature? आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है आपने ये भी मेजर किया होगा. All these questions show that measurement has become the essential part of our life. इन सभी क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि मेजरमेंट हमारी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है. मेजरमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स एंड ऑफ डिफरेंट आइटम्स इज सो कॉमन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक लाइफ विदाउट मेजरमेंट. अलग अलग फील्ड में और अलग अलग आइटम्स में मेजरमेंट का इतना इम्पोर्टेंस है कि हम अपनी लाइफ में बिना मेजरमेंट के कोई भी काम को सोच ही नहीं सकते हैं. मेजरमेंट इज़ द क्वांटिटी और मेजर एज टू हाउ मच इज़ द लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम और टेम्परेचर. मेजरमेंट वो क्वांटिटी है, वो मात्रा है या वो माप है जिसमें हम किसी भी चीज़ की लेंथ, मास यानी वेट, कैपेसिटी, टाइम और टेम्परेचर को मापते हैं. नेक्स्ट इज़ नीड फॉर मेजरमेंट, यानी हमें मेजर करने की ज़रूरत क्यों होती है. Without actual measurement, one cannot make a correct judgment about a given object. बिना सही माप के हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में करेक्ट जजमेंट नहीं दे सकते कि उसका साइज़ क्या है. It is not easy to judge the length, weight, temperature, etc. of different objects by just looking at them. हम केवल किसी चीज़ को देखकर उसका लेंथ, वेट और टेम्परेचर नहीं जान सकते हैं. योर जजमेंट मे बी रॉन्ग. हो सकता है आपका जजमेंट यानी आपने जो परिणाम निकाला हो वो गलत हो. वन कैन नॉट ऑलवेज ट्रस्ट गेस वर्क. हम हमेशा गेस किए हुए काम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे. मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने में कैसे लेंथ को हम मेज़र करते थे. In olden days, people used to measure length by comparing them with the length of some of their body parts like hand, arm, foot or steps. पुराने दिनों में लोग अपने body parts से किसी भी चीज़ के length को measure करते थे, जैसे अपने hand से, अपने arm से, foot से या पैरों के steps से. ठीक है, for example, they used hand span, cubit, foot span or a stride. एग्ज़ाम्पल में क्या क्या, हैंड स्पैन यानी अपने हथेली से नापना, ठीक है, क्यूबिट मतलब अपने फिंगर्स से लेके एल्बो तक की माप, फुट स्पैन मतलब अपने पैर की लंबाई के बराबर और स्ट्राइड मतलब अपने वॉकिंग डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस. द हैंड स्पैन, द क्यूबिट एंड द फुट स्पैन आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ. हैंड स्पैन, क्यूबिट और फुट स्पैन को नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ कहा जाता है, यानी इन्हें हम स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं मानते हैं. बिकॉज दीज मेजरमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज़ ऑफ द पर्सन. क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट्स अलग अलग पर्सन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं. दे मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफरेंट हो सकता है. We can perform an activity to show that the measurement obtained using a body part is not accurate. आप ये साबित कर सकते हैं एक activity के through कि अलग अलग person का measurement अलग अलग होता है. Ask your family members to measure the length of a table using their hand span. अपने family members से बोलिए कि अपने hand span की मदद से एक table को नापें और उसका result लिखिए. देखिए उनमें सभी का अलग अलग measurement आया होगा. Since the size of the body parts differ from person to person, we need to have a standard unit of measurement. क्योंकि एक person से दूसरे person के body parts के measurement में difference होता है, इसीलिए हमें standard unit of measurement की ज़रूरत थी, यानी एक मान्यता प्राप्त unit की ज़रूरत थी.
जिसमें हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकें। अ यूनिट विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड इज़ ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम, एक ऐसा यूनिट जो सभी लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और हमेशा लगभग सही आए। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ द मीटर, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज़ यूजुअली डन फॉर द थिंग्स लाइक फील्ड्स, रूम्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। लेंथ का मेजरमेंट हम ज़्यादातर चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि फील्ड, रूम, क्लोथ एक्सेट्रा। लॉन्ग डिस्टेंसेज बिटवीन टू प्लेसेज मोर देन 1000 meters आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। बड़े डिस्टेंसेस को जो 1000 meter से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम किलोमीटर में नापते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस मोर देन 1 meter एंड लेस देन 1000 meters आर मेजर्ड इन मीटर्स। और शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटे डिस्टेंस को जो 1 meter से ज़्यादा होते हैं लेकिन 1000 meter से कम होते हैं उन्हें हम मीटर्स में ही नापते हैं। शॉर्ट लेंथ लेस देन 1 meter आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। ऐसे लेंथ जो 1 meter से कम होते हैं उन्हें हम सेंटीमीटर में नापते हैं। वेरी टाइनी लेंथ आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, और बहुत छोटे लेंथ को हम मिलीमीटर में नापते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 kilometer 1000 meter के बराबर होता है, और 1 meter 100 centimeter के बराबर होता है, और 1 centimeter 10 millimeter के बराबर होता है। मेजरिंग टेप्स, मीटर रॉड्स एंड रूलर्स आर यूज फॉर मेजरिंग और कंपेयरिंग लेंथ। लेंथ को नापने के लिए या कंपेयर करने के लिए हम मेजरिंग टेप्स, मीटर रॉड और रूलर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मास। इन डेली लाइफ वी जनरली मेजर थिंग्स इन वेट। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ज़्यादातर चीज़ों को वेट में मेजर करते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली मास इन साइंटिफिक टर्म्स, लेकिन साइंस की भाषा में इसे मास कहते हैं। इन ओल्डन डेज पीपल यूज स्टोन्स ऑफ वेरियस साइजेस टू वे सोल्ड ऑब्जेक्ट्स। पुराने ज़माने में लोग अलग अलग साइज़ के स्टोन्स का यूज़ करते थे किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को वेट करने के लिए यानी मापने के लिए। दे ऑल्सो केप्ट पॉट्स और कंटेनर्स ऑफ देयर ओन चॉइसेस टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स और लिक्विड्स। वो अपनी चॉइस के अलग अलग बर्तन भी रखते थे जिसमें वो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मापते थे, जैसे ग्रेन्स और लिक्विड्स को। बट दीज मेजर्स वर नॉट द सेम फॉर ऑल, लेकिन ये मेजर्स सभी चीज़ों के लिए एक बराबर नहीं थे। मास इज़ यूजुअली मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। मास को हम किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं। लार्जर मासेज आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स, वेयर एज द स्मॉलर मासेज आर मेजर्ड इन ग्राम्स। भारी मासेज को हम किलोग्राम्स में नापते हैं, जबकि छोटे सामान को हम ग्राम्स में नापते हैं। गोल्ड इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। सोने को हम ग्राम और मिलीग्राम में नापते हैं। वर्ड्स हैवी एंड लाइट आर यूज फॉर कंपेयरिंग मासेस। हैवी और लाइट जैसे शब्दों का यूज़ हम अलग अलग वेट को कंपेयर करने के लिए करते हैं। वी यूज़ वेइंग मशीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस सच एज कॉमन बीम बैलेंस, टू पैन बैलेंस, डिजिटल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर मास। हम अलग अलग तरीके की वेट नापने वाली मशीनों का यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए, जैसे बैलेंस का यानी तराजू का, कॉमन बीम बैलेंस का, टू पैन बैलेंस का, और डिजिटल बैलेंस का, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, और स्प्रिंग बैलेंस का। 1 gram 1000 milligram के बराबर होता है। 1 kilogram 1000 gram के बराबर होता है। 1 quintal 100 kilogram के बराबर होता है, और 1 metric ton 1000 kilogram के बराबर होता है। यहाँ आप पिक्चर में अलग अलग वेइंग मशीन्स को देख सकते हैं और वेट करने वाले वेट्स को देख सकते हैं। मास वर्सेस वेट, यानी मास और वेट में कुछ डिफरेंस होता है, आइए जानते हैं डिफरेंस क्या है। मास रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट कंटेंस। मास किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर के अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है यानी रिप्रेजेंट करता है। वेट रिफर्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज टू एन ऑब्जेक्ट, और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करता है। द मास विल बी सेम एनी वेयर बट द वेट विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस।
मास सभी जगहों पर एक बराबर होता है, लेकिन वेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेंथ ऑफ ग्राविटी है वो अलग अलग जगहों पर घटती बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू द मून, योर वेट विल बी 6 times लेस देन योर वेट ऑन अर्थ। अगर आप मून पर जाएंगे तो जितना वेट आपका ज़मीन पर है उससे 6 गुना कम वेट आपका मून पर होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज़ लेस देन अर्थ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो मून पर अर्थ की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट इज़ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी इज़ नथिंग बट अ क्वान्टिटी ऑफ अ लिक्विड दैट अ वेसल और कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या है स्टूडेंट्स? किसी भी बर्तन में कितना लिक्विड आप फिल कर सकते हैं उसे हम कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, अ स्मॉल वेसल हैज़ लेस कैपेसिटी। एक छोटे बर्तन की कैपेसिटी कम होती है। अ लार्ज वेसल हैज़ मोर कैपेसिटी। उससे बड़े बर्तन की कैपेसिटी उससे ज़्यादा होगी। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन लीटर्स, यानी कैपेसिटी को हम किस में मापते हैं? लीटर्स में मापते हैं। स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, और कम क्वान्टिटी वाले लिक्विड्स को हम मिलीमीटर्स में नापते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, यानी 1000 मिलीलीटर को हम क्या कह सकते हैं? 1 लीटर कह सकते हैं। वर्ड्स लाइक मोर एंड लेस आर यूज फॉर कैपेसिटी। मोर और लेस, मोर मतलब ज़्यादा और लेस मतलब कम, ऐसे शब्दों का यूज़ हम कैपेसिटी को कंपेयर करने के लिए करते हैं। मतलब अगर लिक्विड कम है तो हम कहेंगे लेस क्वांटिटी, ठीक है, या लेस कैपेसिटी। अगर लिक्विड ज़्यादा है तो हम कहेंगे मोर कैपेसिटी या मोर क्वांटिटी। मेजरिंग सिलेंडर्स एंड मेजरिंग कैंस आर यूज्ड टू मेजर लिक्विड्स। मेजरिंग सिलेंडर्स और कैंस का यूज़ किया जाता है लिक्विड्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर्स और मेजरिंग कैंस और मेजरिंग ग्लास का पिक्चर। नेक्स्ट इज़ मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे। टाइम इज़ द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। टाइम दो इवेंट्स के, यानी दो घटनाओं के बीच में होने वाला इंटरवल है। टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स, टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ इन आवर डेली लाइफ एंड मैनी इवेंट्स ऑल्सो टेक प्लेस। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत सारी घटनाएं भी हमारी लाइफ में होती रहती हैं। बट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच इवेंट एक्टिविटी डिफर्स फ्रॉम वन अनदर। लेकिन हर एक्टिविटी और इवेंट का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है और वो अलग अलग टाइम के लिए घटती हैं। मतलब कुछ आधे घंटे के लिए होती हैं, कुछ 1 घंटे के लिए होती हैं, अलग अलग टाइम की होती हैं। We measure time in seconds, minutes, hours, days, weeks, months and years. हम टाइम को सेकेंड में, मिनट में, घंटे में, डेज में यानी दिन में, हफ्तों में, महीनों में और साल में मेजर करते हैं। 1 hour is equal to 60 minutes, यानी 1 घंटे में 60 minutes होते हैं। 1 minute is equal to 60 seconds, 1 minute में 60 seconds होते हैं। 24 hours is equal to 1 day, 24 घंटे में 1 दिन पूरा होता है। 7 days is equal to 1 week, 7 days में 1 week पूरा होता है। 52 weeks equal to 1 year, 52 weeks यानी हफ्ते मिलकर 1 साल बनाते हैं। 12 months equal to 1 year, 12 months यानी महीने मिलकर 1 साल बनाते हैं। 365 days equal to 1 year, यानी 365 दिन में 1 साल पूरा होता है। 366 days में 1 year, यानी 366 days में 1 leap year पूरा होता है। फॉर मेजरिंग टाइम वी यूज़ पेंडुलम क्लॉक, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, स्टॉप वॉच एक्सेट्रा। टाइम को मेजर करने के लिए हम पेंडुलम क्लॉक का, वॉल क्लॉक का, रिस्ट वॉच का या स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। Nowadays digital watches and clocks are very popular. आजकल के दिन में डिजिटल क्लॉक और वॉचेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, यानी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर्स क्लियरली दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप को हम कैसे मेजर करेंगे। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। टेम्परेचर उस बात का मेजरमेंट है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ईदर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल और ऑन द फारेनहाइट स्केल।
टेम्परेचर को हम दो तरीके के स्केल में मेज़र करते हैं, एक है सेंटीग्रेड स्केल और दूसरा है फारेनहाइट स्केल। इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स डॉक्टर यूज अ स्पेशल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सिक पर्सन और द पर्सन हु हैज़ फीवर। हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में डॉक्टर एक स्पेशल तरीके के थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं किसी भी सिक पर्सन के टेम्परेचर को नापने के लिए या किसी इंसान को कितना बुखार है ये चेक करने के लिए। दिस थर्मोमीटर इज़ कॉल्ड डॉक्टर्स थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसे थर्मोमीटर को हम डॉक्टर्स थर्मोमीटर या क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। अब डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी दो टाइप का होता है, एक होता है मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर और डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर से डिजिटल थर्मोमीटर को पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए उसका यूज़ आजकल ज़्यादा किया जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है यानी इंसानों का टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है और फारेनहाइट में 98.6 होता है। इफ़ द थर्मोमीटर शोज़ अ हायर रीडिंग इट मीन्स द पर्सन हैज़ हाई फीवर। अगर इससे ज़्यादा रीडिंग थर्मोमीटर शो करता है किसी के बॉडी के टेम्परेचर का, इसका मतलब उस पर्सन को फीवर है। That's it for today's class, students. Thank you for watching.